X9 न्यूज नेशन। आम आदमी पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश के अयोध्या जाएंगे, जहां वह भगवान राम के जन्म स्थल पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भव्य एवं विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। फिलहाल एक अस्थायी मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि केजरीवाल 26 अक्टूबर को भगवान राम की पूजा अर्चना करेंगे। आम आदमी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी सभी 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने यह भी साफ किया है कि वह चुनाव में किसी तरह का गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा, उत्तराखंड और गुजरात समेत कई अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, आपने बड़ा दाव चलते हुए कहा है कि यूपी में सरकार बनने पर मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। वहीं आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह ने पूरे राज्य में पार्टी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वे लगातार राज्य की योगी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि 170 विधानसभा क्षेत्र में हमने प्रभारी घोषित किए हैं। संजय सिंह ने कहा कि ये प्रभारी हमारे संभावित उम्मीदवार भी होंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाती है या नहीं बनाती। ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता उनको कितना पसंद करती है कितना नहीं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।